नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके और हमारे चैनल क्राइम स्टोरी नए एपिसोड। सबसे पहले आपके प्यार के लिए शुक्रिया करता हूं कि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ के जिला बलौदा बाजार के थाना पलारी के गांव छेरकापुर के रहने वाले भकला आडल का बेटा सुमेर आडल आवारा दोस्तों के साथ रहकर काफी बिगड़ गया था। वह गांव की बहु बेटियों पर बुरी नजर रखने लगा तो भकला ने उसकी शादी पड़ोस के गांव की रहने वाली तोपबाई से कर दी। भकला का सोचना था कि पत्नी की जिम्मेदारी आते ही बेटा अपने आप सुधर जाएगा। परिणाम उसके आशा के एकदम अनुकूल ही निकला। सुमेर नईनवेली पत्नी तोपबाई के रूप यौवन में कुछ इस तरह उलझा कि शादी के बाद उसका ज्यादातर समय घर पर ही गुजरने लगा। शादी के 1.5 साल बाद तोपबाई ने बेटी को जन्म दिया तो सुमेर की जिम्मेदारी और बढ़ गई। अब उसके पास समय ही नहीं रहा कि वह दोस्तों के साथ उठे बैठे। एक एक करके सुमेर 4 बच्चों का बाप बन गया। परिवार बड़ा और उसी बीच बाप की भी मौत हो गई तो सुमेर घर परिवार की जिम्मेदारियों में इस कदर उलझ गया कि अब उसे अपना भी होश नहीं रहता था। इसके बावजूद जवानी की बिगड़ी अन्य आदतें भले ही सुधर गई थीं, लेकिन पीने पिलाने की आदत जस की तस थी। जबकि अब उसके बच्चे भी जवान हो रहे थे। उसकी बड़ी बेटी हेमलता 18 साल की हो चुकी थी। सुमेर के घर से कुछ दूरी पर संतरु यादव का घर था। उसका दूध का कारोबार था, इसलिए उसके बेटे नरसिंह यादव उर्फ शेरा का मन पढ़ाई में नहीं लगा तो उसकी पढ़ाई छुड़ाकर संतरु ने उसे अपने साथ दूध के कारोबार में लगा लिया था। उसका एक बेटा और था जो रायपुर चला गया था और वहां किसी कंपनी में नौकरी करने लगा था। उसके जाने के बाद उसे शेरा का ही सहारा रह गया था। एक ही गांव का होने की वजह से सुमेर और शेरा में अच्छी पत्ती थी। इसी वजह से दोनों का एक दूसरे के घर भी आना जाना था। वैसे तो दोनों की उम्र में 5-6 साल का अंतर था, लेकिन उनकी आदतें काफी हद तक मिलती जुलती थी, इसीलिए दोनों में पटरी खाने लगी थी। सुमेर भी खाने पीने वाला आदमी था और शेरा भी। अक्सर दोनों की शामें एक साथ गुजरती थीं। दोस्त की पत्नी होने की वजह से शेरा तोपबाई को भाभी कहता था। इसी रिश्ते की आड़ में दोनों के बीच हंसी मजाक भी खूब होता था। उनका यह मजाक कभी भी मर्यादा भी लंघ जाता था। 4 साल पहले की बात है, गर्मी के दिन थे। शेरा अपनी भैंसों को नहलाने के लिए रोजाना दोपहर को गांव के दक्षिण में जायसवाल आरा मिल से थोड़ी दूर स्थित ठाकुरबिया तालाब पर ले जाता था। उस दिन शेरा ने अपनी भैंसों को पानी में उतारा ही था कि उसकी नजर तालाब के दूसरे घाट पर नहा रही तोपबाई पर पड़ी। वह साड़ी उतार कर सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज में नहा रही थी। शेरा ने सोचा तोपबाई उसे देखकर या तो पानी में बैठ जाएगी या निकलकर साड़ी लपेट लेगी, लेकिन जब उसने ऐसा कुछ नहीं किया तो शेरा की आंखों में चमक आ गई। शेरा को अचानक शरारत सूझी और वह अपनी भैंसों को धीरे धीरे उसी ओर खदेड़ ले गया जिधर तोपबाई नहा रही थी। तोपबाई को लगा उसकी भैंसें अपने आप आ गई हैं, इसलिए वह खामोश रही। शेरा ने भैंस के ऊपर पानी डालने के बहाने एक अंजुली पानी तोपबाई के ऊपर भी उछाल दिया। तोपबाई के भीगे खुले अंग धूप में कुंदन की तरह चमक रहे थे। उस स्थिति में वह कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही थी। पहली बार तो तोपबाई कुछ नहीं बोली, लेकिन जब उसने दोबारा यही हरकत की तो वह उसकी शरारत भांप गई। बिल्लोरी आंखों से शेरा को घूरते हुए बोली, क्यों शेरा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि मैं नहा रही हूँ? क्यों नहीं दिखाई दे रहा है भाभी? पानी में भीगकर इस धूप में तो आप कुंदन की तरह चमक रही हैं। तुम मेरे ऊपर पानी क्यों उछाल रहे हो? तोपबाई ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी मैं पानी आपके ऊपर नहीं भैंसों के ऊपर उछाल रहा था, जिससे उनकी गर्मी थोड़ी शांत हो जाए। उसी में से थोड़ा पानी आप पर भी चला गया होगा। शेरा ने सफाई दी, भैंस ही नहलाना था तो उधर ही नहला लिया होता। तुम्हें पता नहीं यहाँ औरतें नहाती हैं? तोपबाई ने बनावटी प्रतिरोध किया। अरे ये भैंसें भी तो औरतें हैं, मैं तो इन्हें उसी ओर ले गया था, ये खुद ही अपने घाट पर आ गईं। अब इन्हें छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूँ? ठीक है मैं ही जा रही हूँ, तुम अपनी भैंसों की गर्मी शांत करो। आपकी गर्मी बड़ी जल्दी शांत हो गई भाभी, मैंने तो सोचा था कि अभी आप नहाएंगी, लेकिन आपकी गर्मी तो पानी का छींटा पड़ते ही शांत हो गई। शेरा ने यह बात जिस अंदाज में कही थी तोपबाई को उसका मतलब समझते देर नहीं लगी। उसने कहा, मेरी गर्मी पानी से शांत नहीं होती, उसके लिए मर्द चाहिए, हिम्मत है मेरी गर्मी शांत करने की।
मौका मिला तो जरूर कोशिश करूंगा भाभी, शेरा ने कहा। मौका तो दीजिए, उसके बाद देखिए मेरी हिम्मत को। इसके बाद बात खत्म हो गई, लेकिन शेरा का जब भी तोपबाई से सामना होता, शेरा अभिवादन करके ये कहना नहीं भूलता, भाभी गर्मी शांत करने का कब मौका दे रही हो। उसी बीच गांव में छत्तीसगढ़ी नाच गाने का प्रोग्राम बना। जिस दिन नाच गाना होना था, सुबह शेरा तोपबाई के दरवाजे से गुजरा तो आंगन में बैठी तोपबाई उसे दिखाई दे गई। दरवाजे के पास से ही उसने कहा, राम राम भाभी जी, क्या हाल चाल है, क्या कर रही हैं? तुम भी अजीब सवाल करते हो, देख नहीं रहे हो? बैठी हूँ। वह तो देख रहा हूँ, मेरा मतलब कुछ और था, मैं तो गर्मी। शेरा की बात पूरी होती उसके पहले ही तोपबाई ने कहा, देवर जी अभी तुम जाओ, रात में नाच देखने आऊंगी, वही मिलना। शेरा का वह दिन बड़ी मुश्किल से बीता। रात 10 बजे के बाद नाच गाना शुरू हुआ तो तोपबाई ने सुमेर से कहा, चलो नाच देखने नहीं चलोगे क्या? तुझे नाच देखने का बड़ा शौक है तो तू जा, अभी मेरा मन नहीं है, नाच पूरी रात चलेगी, मन होगा तो आ जाऊंगा, सुमेर ने कहा। तोपबाई तो यही चाहती थी, इसलिए वह तुरंत निकल गई। वह नाच देखने थोड़े ही गई थी, वह तो शेरा से मिलने गई थी, इसलिए वहां पहुंचते ही शेरा को खोजने लगी। शेरा भी उसी को खोज रहा था, इसलिए उन्हें मिलने में देर नहीं लगी। मिलते ही शेरा उसे गांव के बाहर बने स्कूल में ले गया। प्रोग्राम पहले से ही तय था, इसलिए शेरा पहले ही वहां दरी बिछा आया था। दरी पर बैठते हुए तोपबाई ने कहा, शेरा मैं ज्यादा देर तक रुक नहीं सकती, इसलिए जो भी करना है जल्दी करो, अगर सुमेर नाच देखने आ गया तो मुझे वहां न पाकर शक करेगा, वैसी भी वह बड़ा शक्की आदमी है। भाभी जी आप उसकी चिंता ना करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा, आखिर मेरी उससे दोस्ती जो है। शेरा भी कहां समय गंवाना चाहता था, इसलिए उसने तोपबाई को बाहों में भर लिया। इसके बाद वासना का ज्वर उमड़ा तो जल्दी ही शेरा को एहसास हो गया कि तोपबाई सचमुच हुस्न के गोले छोड़ने वाली तोप है। वासना का तूफान शांत हुआ तो अधखुली आंखों से शेरा की ओर देखते हुए तोपबाई ने कहा, शेरा आज मैं तुम्हारी कायल हो गई, तुमने सचमुच मेरी गर्मी शांत कर दी। भाभी तुम भी कम नहीं हो, मेरे भी छक्के छुड़ा दिए, शेरा ने कहा। कपड़े ठीक करते हुए तोपबाई उठी, अब मुझे चलना चाहिए, लेकिन जाने से पहले एक बात का जवाब जरूर चाहूंगी, कहीं तुम मुझे मंझधार में तो नहीं छोड़ दोगे, मैंने अपनी इज्जत तुम्हारे हवाले कर दी है। भाभी जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं होगा, हमारे तुम्हारे बीच आज जो संबंध बने हैं वह ताउम्र बने रहेंगे, भले ही हम दोनों बूढ़े हो जाएं, पर हमारा प्यार जरा भी कम नहीं होगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, कभी भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो मुझसे बेहिचक कहना, मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी करूंगा। इच्छा पूरी होने के बाद शेरा अपनी राह चला गया तो तोपबाई अपनी राह। इसके बाद दोनों को जब भी मौका मिलता कहीं ना कहीं जिस्मानी भूख शांत कर लेते। यह ऐसा संबंध है जो किसी भी तरह छिपाए नहीं छिपता। शेरा और तोपबाई के भी संबंधों की जानकारी सभी को हो गई। मजे की बात यह थी कि तोपबाई जहां 4 बच्चों की माँ थी, वहीं उसका प्रेमी शेरा भी 2 बच्चों का बाप था। उसकी पत्नी संतोषी को 3रा बच्चा होने वाला था। जब इस बात की जानकारी संतोषी को हुई तो उसने पूरा घर सिर पर उठा लिया। उसने शेरा को समझाया भी, लेकिन उस पर पत्नी के समझाने का कोई असर नहीं पड़ा। जल्दी ही हालत ये हो गई कि संतोषी अगर तोपबाई का नाम ले लेती तो उसे गुस्सा आ जाता और वह उसकी पिटाई कर देता। दूसरी ओर सुमेर भी पत्नी की बदचलनी से शर्मिंदा था, लेकिन उसे शराब की ऐसी लत लगी थी कि वह अपनी कमाई का आधे से ज्यादा पैसा शराब में उड़ा देता था। तोपबाई जब भी समझाने का प्रयास करती उसे 4 बातें सुननी पड़ती। घर में बच्चे बड़े हो चुके थे, इसलिए सुमेर तोपबाई पर सख्ती नहीं कर पा रहा था। शायद इन्हीं वजहों से तोपबाई और शेरा के संबंधों में कोई रुकावट नहीं आई। जब पानी सिर से ऊपर जाने लगा तो सुमेर ने तोपबाई के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी। वह खुद तो उस पर नजर रखता ही था, इस काम में बेटी भी उसकी मदद करती थी। सुमेर और बेटी की निगरानी से तोपबाई परेशान हो उठी। अब वह पहले की तरह शेरा से नहीं मिल पा रही थी। शेरा भी तोपबाई से मिलने के लिए बेचैन रहता था। शेरा को पता था कि सुमेर ने उस पर घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा रखी है। दोनों की छटपटाहट बढ़ी तो एक दिन तोपबाई ने कहा, शेरा अगर तुम चाहते हो कि मैं पूरी तरह से तुम्हारी हो जाऊं तो तुम्हें सुमेर को रास्ते से हटाना होगा। शेरा भी तोपबाई के लिए बेचैन था, इसलिए वह इसके लिए भी तैयार हो गया।
25 जुलाई 2014 को शेरा के एक रिश्तेदार के बेटे का जन्मदिन था। शेरा जन्मदिन की पार्टी में शामिल होकर रात 9 बजे के आसपास घर लौट रहा था, तभी बजरंग चौक के पास उसकी मुलाकात सुमेर से हो गई। उसे देखते ही शेरा के दिमाग में उसे ठिकाने लगाने का विचार आ गया। उसने उसके पास जाकर कहा, सुमेर भाई, लगता है आजकल आप मुझसे नाराज चल रहे हैं, इसीलिए मेरे साथ बैठकर खाते पीते नहीं हैं। बहुत दिनों बाद मिले हो तो चलो आज साथ बैठकर एक एक पैग पी लेते हैं। सुमेर शराब पिए था, लेकिन शराब उसकी कमजोरी बन चुकी थी, इसलिए वह मना नहीं कर सका। शेरा ने उसे अपनी मोटरसाइकिल नंबर CG04JF5513 पर बैठाया और बलौदा बाजार की ओर चल पड़ा। उस समय रात के 10 बज रहे थे। बलौदा बाजार से उसने शराब की एक बोतल, खाने का सामान खरीदा और लौट पड़ा। रास्ते में पड़ने वाले खोरसी नाला के पास उसने मोटरसाइकिल रोक दी और ठीक ठाक जगह तलाश कर बैठ गया। शेरा ने खुद तो कम पी, जबकि सुमेर को ज्यादा पिलाए। सुमेर पर शराब का नशा चढ़ा तो वह वहीं पर लेट गया। इसके बाद शेरा ने तोप भाई को फोन किया। तोप भाई, सुमेर मेरे पास नशे में बेहोश पड़ा है, तुम कहो तो इसे ऊपर पहुंचा दूं या मोटरसाइकिल पर लाद कर तुम्हारे घर छोड़ दूं। अब मैं बताऊंगी कि उसका क्या करना है। पहले तो कहते थे कि जीवन भर साथ निभाऊंगा, मंझधार में नहीं छोड़ूंगा, अब मुझसे पूछ रहे हो कि क्या करूं। तोप भाई गुस्से में बोली, अगर तुम चाहते हो कि मैं उसके हाथों पिटती रहूं, बेइज्जत होती रहूं, तो लाकर उसे यहां छोड़ दो। शेरा की समझ में आ गया कि तोप भाई क्या चाहती है। उसने कहा, ठीक है, आज मैं सारे फसाद का अंत किए देता हूं, आज के बाद तुझे मारने पीटने वाला कोई नहीं रहेगा, रहेगा तो सिर्फ प्यार करने वाला। इसके बाद शेरा ने सुमेर के पास जाकर दोनों हाथों से उसकी गर्दन दबोच ली और दबाने लगा। सुमेर पर नशा इस कदर हावी था कि वह विरोध नहीं कर सका। उसने हाथ पैर पटक कर दम तोड़ दिया। सुमेर मर गया तो शेरा उसके दोनों पैर पकड़ कर उसे घसीटते हुए नाले के पास ले गया और उसकी लाश को उठाकर नाले में फेंक दिया। इसके बाद निश्चिंत होकर अपने घर चला गया। 26 जुलाई 2014 की सुबह खोरसी नाले से सटे गांव मगरचुबा के रहने वालों ने नाले में लाश देखी तो इसकी जानकारी कोतवाली बलौदा बाजार को दी। सूचना पाते ही कोतवाली प्रभारी प्रमोद सिंह दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। थाने से निकलते समय थाना प्रभारी ने ये जानकारी SP अभिषेक शांडिल्य के अलावा ASP VP राजभानु को भी दे दी थी। लाश पानी में पेट के बल पड़ी थी। थाना प्रभारी ने गांव वालों की मदद से वह लाश बाहर निकलवाए। लाश देखकर ही लग रहा था कि उसे रात में ही पानी में फेंका गया था। वहां मौजूद लोगों से पुलिस ने लाश की शिनाख्त करानी चाही तो कोई भी उसकी शिनाख्त नहीं कर सका। थाना प्रभारी प्रमोद सिंह घटनास्थल और लाश की जांच कर रहे थे कि SP अभिषेक शांडिल्य एवं ASP VP राजभानु भी आ गए। इसके बाद घटनास्थल की सारी औपचारिकताएं करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। इसके बाद थाना प्रभारी प्रमोद सिंह ने थाने लौटकर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया और यह पता लगाने लगे कि 2-3 दिनों में कहीं कोई गुमशुदगी तो दर्ज नहीं हुई। उन्हें पता चला कि थाना पलारी में थोड़ी देर पहले ही एक महिला तोपबाई आई थी, जिसका पति सुमेर आडल पिछले दिन से गायब है। तोपबाई ने अपने पति का जो हुलिया बताया था, वह लावारिस लाश के हुलिये से मेल खा रहा था। इसके बाद थाना प्रभारी प्रमोद सिंह ने तोपबाई को पोस्टमार्टम हाउस बुलवा लिया। पोस्टमार्टम हाउस में तोपबाई को नाले में मिली लाश दिखाई तो वह जोर जोर से रोने लगे। इससे साफ हो गया कि मृतक उसका पति सुमेर आडल था। पोस्टमार्टम के बाद लाश तोपबाई को सौंप दी गई। थाना प्रभारी प्रमोद सिंह ने जांच शुरू की तो पता चला कि तोपबाई का गांव के ही शेरा यादव से अवैध संबंध था। इस बात को लेकर सुमेर आए दिन उसकी पिटाई करता रहता था। थाना प्रभारी प्रमोद सिंह ने तोपबाई और शेरा यादव को थाने बुलवा लिया। दोनों से अलग अलग सख्ती से पूछताछ की गई तो सुमेर की हत्या का सारा राज सामने आ गया। शेरा यादव ने स्वीकार कर लिया कि सुमेर की पत्नी तोपबाई के साथ पिछले कुछ सालों से उसके अवैध संबंध थे। उसी के कहने पर उसने उसके पति सुमेर की हत्या कर लाश नाले में फेंक दी थी। सुमेर की हत्या का खुलासा होने के बाद थाना प्रभारी प्रमोद सिंह ने अज्ञात की जगह शेरा और तोपबाई को नामजद कर अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। तोपबाई को जहां रायपुर की जिला जेल में रखा गया है, वहीं शेरा को बलौदा बाजार जिला जेल भेजा गया है। बलौदा बाजार जेल में महिला सेल न होने की वजह से उसे रायपुर भेजा गया था। तोपबाई की दिल दहला देने वाली कहानी। कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित।